सब जा रहे हैं सैलानी टापू। इसके लिए आपको इंदौर से बड़वा 70 किलोमीटर पड़ेगा और बड़वा से सैलानी टापू आपको 25 किलोमीटर पड़ेगा। आप बाय कार, बाय बस, बाय बाइक जैसे गेम प्लान बनाया। हम बड़वा ही एक्चुअली आए हुए थे, बट ज्यादातर लोग बड़वा नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको पहले इंदौर के बारे में बताया। बड़वा आ गए हैं और हम वेट कर रहे हैं अपने ब्रदर का। गवाता है वो। जान मैंने किया है बचपन का प्यार मेरा भूल। शुभम आ गया है और अब हम उसको जा रहे हैं। शुभम कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कि शुभम ने आपको कहा, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपना खाना तो खाकर आए थे, फिर भी हमने कुछ स्नैक्स रख लिए। जब आप सैलानी के लिए निकलते हैं तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। इस रूट पर आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, एक्चुअली ट्रैफिक ही नहीं मिलता, बहुत कम ही आपको जो व्हीकल नज़र आएंगे। ब्यूटीफुल प्लेस के साथ साथ पीसफुल प्लेस भी है ये। ज़रूरी नहीं है कि आप दूर दराज के हॉलीडेज प्लान करें, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आस पास की हर छोटी प्लेस पर हर छोटी ट्रिप को एंजॉय कैसे करते हैं एंड ये छोटे छोटे मोमेंट ही आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। यदि आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपनी छोटी छोटी ट्रिप्स को कैसे एंजॉय करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जब आप इस रूट से जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ भी रुक जाएँ, यहाँ भी कुछ फ़ोटोज़ ले लें, तो हम इसी बीच में 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ रुके। थोड़ी मस्ती के बाद हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की। सैलानी पहुँचने के पहले ही आपको यहाँ रिसोर्ट मिल जाएंगे जहाँ आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं यदि आप बाहर से आ रहे हैं। हम तो यहाँ लोकल हैं तो हमने ज़्यादा यहाँ प्लानिंग नहीं की कि हम यहाँ रुकेंगे, हम 2 से 3 घंटे के लिए ही आए हैं। और आपको डायरेक्शन के लिए सैलानी के बोर्ड इस रूट पर हर थोड़ी दूरी पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मूवी बना सकते हैं ना अपन, घोड़ा घोड़ा। एंड फाइनली हम सैलानी आइलैंड पहुंच गए हैं। Look at the view. Yeah.
गवर्नमेंट वालों के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या कैसे कितना लगेगा चार्ज? यहाँ पे लगेगा बोट के 300 रूपए पर पर्सन। अच्छा, और कैश लेके आना पड़ेगा है ना? कैश लेके आएंगे, रोड के आएंगे। हाँ, कैश लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है। तो आप जब भी आए अपने लिए कैश लेकर आए, हाँ, और आपके पास पैसे ना हो तो आप यहाँ पर फ्री में नहा के जा सकते हैं। और ये व्यू, इस व्यू का आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से बोटिंग करके आइलैंड पे पहुंचेंगे। स्पीड बोट से हम 5 मिनट में ही यहाँ पर पहुँच गए। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी विजिट कराऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं सैलानी आइलैंड पे, जहां से हमने टिकट लिए हैं बोट के। वो हमें 300 का टिकट पड़ेगा पर पर्सन, आपको 300 रुपीज लगेंगे। इसमें आपको वो लेकर भी आते हैं और वापस आपको रिटर्न टिकट भी उसमें इंक्लूड रहेगा आपका। जो बोट से आपको लेके आते हैं, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो यहाँ का लास्ट रिटर्न टाइम है वो 6:30 है, मतलब उससे पहले आप यहाँ पर जो यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की लोकेलिटी में अच्छे अच्छे आपके फोटो क्लिक करवा सकते हैं। सो अब हम यहाँ के सारे व्यू देखेंगे, सो चलते हैं। फिर से रोहित एक और पोस्ट डाल दूंगे वीडियो में बेटा, फिर रोते रहना। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको फुली एक्टिविटीज के लिए इस तरीके से आपको मिलेगा। इधर आपको रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, आपके बहुत अच्छे पिक्स, आप यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी अच्छे क्रिएटिव वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। पूजा स्टाइल कॉर्नर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।
ही ब्यूटीफुल व्यूज के साथ ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ बड़ों के लिए भी थी, तो क्यों ना हम भी यहाँ थोड़ा इन्जॉय कर ले। यहाँ हमने काफ़ी टाइम तक मस्ती की, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलती हूँ। हम यहाँ 3 से 4 घंटे रुके, बहुत मज़े के, बहुत इन्जॉय किया। बट आप यदि बाहर से आ रहे हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप रिसेप्शन एरिया में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। आइलैंड पर रुकने की भी एक अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट स्टे करें, थोड़ा इन्जॉय करें। यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे इन्जॉय करें, फ़ोटोज़ लें, रील्स बनाएं, जैसे भी आपको पसंद है आप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम यहाँ से निकलेंगे, बट घर जाने से पहले बीच में एक मंदिर आता है जयंती माता का, ये बहुत ही फेमस है, एक्चुअली बड़वा वालों के लिए बहुत फेमस मंदिर है। मैं यहाँ पर बचपन में आया करती थी अपनी फैमिली के साथ, तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन करते हुए जाएं। अब हम सब रिटर्न जा रहे हैं सैलानी टापू से, ये स्पीड बोट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं, पर उससे पहले हम यहाँ पर जयंती माता का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप जरूर यहाँ पर विजिट करें दर्शन करने के लिए। सो पहले हम जयंती माता जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम जयंती माता पहुंच गए हैं, तो अब हम यहां पर दर्शन करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूं। फ्रेंड्स हमने जयंती माता में दर्शन कर लिए हैं और हम आज की ये छोटी सी ट्रिप यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी हर छोटी जर्नी को एंजॉय कीजिए। बोलते हैं ना बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।